दोस्तों आज की स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं सोलैंड के एपिसोड 215 की पार्ट 1 पर। इस एपिसोड अभी रिलीज हुआ है तो आज हम इस पर डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में हुइलिना और सुई के कॉम्बैट टेक्निक को देखा जाता है, जो कि हुइलिना सुई अपने सब सोल्जर को लेकर सियानलो एम्पायर पर अटैक करने के लिए आए होते हैं, मगर यहाँ पर मौजूद सारे सोलो मास्टर को किल करने के लिए इन दोनों अपनी यूनिफिकेशन टेक्निक को यूज करना पड़ रहा होता है। जहाँ से मुझे लगता है कि अभी भी इस टेक्निक डाइमोबा और जुजुत्सु का मुकाबला नहीं कर सकता, तो यहाँ पर दोनों सारे सोलो मास्टर को पूरी तरह से किल कर देते हैं। और उसके साथ वन एम्पायर के मेंबर इन दोनों के सामने आकर कहते हैं, आपके कमांड के मुताबिक हमने जहाँ पर मौजूद सारे सोलो मास्टर को किल कर दिया है, यहाँ पर जितने भी सप्लाई वेपन मौजूद है उन सबको जला दिया है। जिसके साथ हुइलिना इन सब से कहते हैं, मेरी कमांड को सबको बताओ, हम लोग अपने सारे प्रूप को आज रात को रजिस्टर करने वाले हैं। हम सब लोगों को सियानलो एम्पायर के कैपिटल के बाहर एक साथ इकट्ठे होना है। ये वन एम्पायर आने वाले टाइम का फैसला करेगी। और उसके साथ ही हम आ जाते सीलु सिटी के व्यू पर, जहाँ पर एम्परर सू बैंग सियानलो एम्परर के एम्परर दोनों एक साथ इकट्ठे होते हैं। जिसके साथ ही सियानलो एम्परर के एम्परर कहता है, सीलु सिटी के बाहर के बाद हम लोग अभी तक एक रूम में चल रहे। जिसके साथ ही एम्परर सू बैंग कहता है, हमने अपनी सिटी से दोबारा से कैप्चर कर लिया है और हमारे डिफेंस की लाइन पहले के लिए काफी ज्यादा एक्सपेंड हो चुकी है और अभी के लिए हम लोग उन्हें टोटली कैप्चर कर लिया है, मगर फिर भी वन एम्परर हमारे ऊपर अटैक किए बिना भी अपने आप को डिपेंड करता जा रहा है। ये मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। जिसके साथ दोबारा से दाई मोबाइल के फादर कहता है, हमारी जॉइंट पोर्स जितना ज्यादा वाइड होती जाएगी उतना ही ज्यादा वन एम्परर के लिए अपने आप को डिपेंड करना मुश्किल होता जाएगा। जैसे ही दोनों एम्परर एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, उसके साथ यहाँ पर एक सोल्जर आ जाता है, जो कि आकर सबसे बताता है, वन एम्परर ने अपनी फ्रंट लाइन की आर्मी के साथ हमारे ऊपर अटैक कर दिया है और पॉलिट के साइड से हमारे कंट्री की तरफ आ रहे हैं। हमारी सिटीज पर सक्सेसफुल अटैक करने के बाद हुइलिना हमारे सामने आई थी, जिसके साथ वन एम्परर की आर्मी मौजूद थे, तो वो लोग हमारे कैपिटल एरिया पर अटैक करने वाले हैं। जो सुनते ही सियानलो एम्परर की एम्परर कहता है, इन्होंने बहुत अच्छी जाल के लिए वो लोग मुझे ट्रूप्स को वापस सिटी में बेचने का फोर्स कर रहे हैं। और इसके साथ ही एम्परर सुबह कहता है, हमारे ट्रूप्स लाइन काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसके साथ ही हम लोगों ने उसकी मुकाबला इजीली कर सकते हैं, मगर हम उन्हें टोटली क्लीन अप करना है तो हमें कुछ और दिन के लिए वेट करना होगा ताकि हमारे आर्मी थोड़ी सी पावरफुल हो सके, मगर अभी के लिए हमारे ट्रूप्स के स्ट्रेंथ थोड़ी सी भी कम हो गई तो हम लोग काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ सकते हैं। और उसके साथ ही हमारा व्यू दोबारा से चेंज हो जाता है, हमें सेओ को देखा जाता है और उनके सामने हमें वन एम्परर की कुछ सोल्जर को देखा जाता है और इनमें से एक मेंबर कहता है, अभी के लिए हम लोग पीसीआर मेडिसिन को लेने के लिए आए हैं, हमारे रास्ते में जो भी आएगा हम लोग उसे किल करेंगे। और उसके साथ ही एक मेंबर कहता है, सनसेट फॉरेस्ट टैंडो एम्परर के इनसाइड एरिया में लोकेटेड है, हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। और उसके साथ ही एक मेंबर कहता है, हमारे हॉल लीडर ने टैंडो एम्परर सियानलो एम्परर की फोर्स को पनिशमेंट देना स्टार्ट कर दिया है, जिसके साथ ही उन सबका ध्यान उसी साइड पर लगा हुआ है, अभी यहाँ पर आने का किसी को भी नहीं पता चलेगा। और इसके साथ ही ये सब लोग शव के पास पहुंच जाते हैं, मगर जैसे ही सब लोग आते तो यहाँ पर मौजूद सीन को देखकर मैं भी हैरान हुआ था, क्योंकि शव ही अपनी एक्टिंग को स्टार्ट कर देती है। जैसे ही सब लोग के सामने एक लड़के को बैठा हुआ देखते हैं और उसके साथ उनमें से एक मेंबर कहता है, यहाँ पर एक गर्ल मौजूद है जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। और इसके साथ हमें देखते हैं शव को, जो कि अपनी माइंड में सोच रही होती है, ये सब वन एम्परर की आर्ट स्पिरिट मास्टर है, अभी के लिए यहाँ पर क्या करने के लिए आए। और उनमें से एक मेंबर कहता है, जिसके साथ शव उन सबके सामने अपनी एक्टिंग को दिखाने लगती है, उनसे कहती है, तुम सब लोग कौन हो, यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। और एक कहते हैं शव सी गो ट्रेन के पीछे चले जाते हैं, जिसे देखते ही सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस वेपन से काफी ज्यादा लाइट निकल रही होती है। और उनमें से एक मेंबर कहता है, यहाँ पर वेपन के साथ साथ एक लड़की भी मौजूद है, मुझे ये कोई ऑर्डिनरी गर्ल नहीं लग रही, ये बड़ी फैमिली का प्रिंसेस हो सकती है, इसको हमारे साथ आना चाहिए, तो चलो इसे पूछते हैं और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे इसके पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद है या नहीं। और उसके साथ ही वो मेंबर शव को आवाज देता है, उसे कहता है, ये छोटी लड़की यहाँ पर आकर हमारे बात का आंसर करो। शव उनसे कहती है, तुम्हें क्या पूछना है। उसके साथ ही वो मेंबर कहता है, हमने यहाँ पर एक ग्रेट पावर को पील किया है, क्या तुम बता सकते हो पावर कहाँ से आई थी। जिस पर शव उसे कहते हैं, हमारे पीछे एक 50,000 ईयर का स्पाइडर लगा हुआ था जिसे अपनी जान बचाकर भाग रही थी, मगर उसके साथ ही तुम लोग आ गए, तुम लोगों ने उसे डराकर भगा दिया, मगर मैं अपने रास्ता खो चुकी हूँ, अभी के लिए मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ, यहाँ की एरिया काफी ज्यादा डेंजरस है, तुम लोग यहाँ से जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से चले जाओ। और उसके साथ ही मेंबर अपने सारे मेंबर से कहता है, ये लड़की झूठ नहीं बोल रही, यहाँ पर उस स्पाइडर का पैट का निशान है। और उसके साथ दोबारा से दूसरा मेंबर कहता है, अभी भी क्या कहा, यहाँ पर 50,000 ईयर का स्पाइडर मौजूद है, जैसे ही हम लोग सेंटर एरिया के और करीब जाएंगे तो हमें स्पिरिट मॉन्स्टर बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। जिसके साथ ही एक मेंबर कहता है, हमारी डेस्टिनेशन काफी ज्यादा पास आ चुकी है। और उसके साथ शव की माइंड में आने लगती है, क्या ये लोग आइस एंड पायर के आए हैं, तो ये लोग यहाँ पर जाए तो वहाँ पर मॉम डैड मौजूद है, उन लोगों को बारे में पता चल जाएगा। और इसके साथ ही वो मेंबर कहता है, जरूरी नहीं कि यह सेंट्रल एरिया में मिले, क्योंकि इस लड़की यहाँ पर अकेली है, तो अगर इसके पीछे दोबारा से कोई मॉन्स्टर लग गए तो किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर पावरफुल स्पाइडर मौजूद है, तो अगर इसकी फैमिली ने भी इसको ढूंढने की कोशिश की उनको ही यही लगेगा कि इसको 50,000 ईयर की स्पाइडर ने किल कर दिया होगा। जिसके साथ ही वो मेंबर शव से कहता है, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से डील कर ले, यहाँ पर मौसम काफी ज्यादा खराब होती जा रही है, और ऐसा भी हो सकता है क्यों ना कुछ देर बाद यहाँ पर एक मॉन्स्टर अपीयर हो जाए, क्योंकि तुम अकेले हो, क्योंकि मुझे इस बात का डर है तुम्हें यहाँ पर सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा।
जाएगा। अगर तुम हमें अपनी वेपन दे दो, हम लोग तुम्हें सेव करके तुम्हें बाहर ले जाएंगे। और इसके साथ सेव से कहते हैं, ये लोग अपने आप को गुड शो कर रहे हैं, मगर ये लोग इतना भी अच्छे तो नहीं है। अगर ये लोग ट्राइडेंट को लेना चाहते तो मुझे ऐसा करना होगा। मगर यहाँ पर जैसे सेव बात कर रहे होते, सेव की हार ट्राइडेंट पर होता है, जिसके साथ सेव दोबारा से कहते हैं, अगर इस ग्रैंड स्लैम मास्टर को इनकी टीम से निकाल दो तो मेरे लिए सबको टिकाना लगाना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। और इसके साथ सेव उनसे कहते हैं, क्या तुम सच मेरी मदद करोगे, क्या मुझे बाहर निकाल दोगे? जिस पर वो मेंबर कहता है, सनसेट पॉर्श काफी ज्यादा डेंजरस एरिया है, और वैसे भी हम लोग तुम्हारे अच्छे के लिए तो कह रहे हैं, चलो हम लोग एक दूसरे से मदद करते हैं। और उसके साथ शव उनसे कहते हैं, तो ठीक है। जो सुनते हैं वो लोग काफी ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। मगर उसके साथ ही नेक्स्ट में शव दोबारा से एक एक्सप्रेशन देने लगते है और उनसे कहते हैं, मुझे ऐसा तो नहीं लगता डील काफी ज्यादा वक्त लगने वाले है। और उसके साथ ही वो मेंबर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अगर तुम अपने लिए कोई भी अच्छी न्यूज नहीं सुनना चाहते हो तो हम लोग थोड़ा सा भी इंतजाम नहीं करने वाले। और उसके साथ ही उनमें से दो मेंबर शव के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसको अटैक के बाद शव उनसे दोबारा से कहते हैं, तो ठीक है, मैं तुम सबके कंडीशन के साथ एग्री करते हूँ। जिसके साथ ही वो लोग खुश हो जाते हैं। और इसके साथ शव से कहते हैं, ओल्ड मैन मैं सबको पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से मैं इस वेपन को तुम्हें अकेला ही देना चाहती हूँ, तो तुम आकर इस वेपन को ले सकते हो। वो मेंबर इस वेपन को लेने के लिए आगे आता है, मगर शव अपनी सोल टेक्निक यूज करते हुए उस ट्राइडेंट को जमीन से निकाल कर उसे किक कर देते हैं। जैसे इस ट्राइडेंट उस सोल्जर पर गिरता है तो जिसकी वेट काफी ज्यादा होने की वजह से उस मेंबर का हड्डियां टूटने लग जाते हैं, जिसको कंट्रोल करने के लिए अपनी सोल टेक्निक को भी यूज करता है। ये किसी काम का नहीं आती, इसकी वजह से वो पूरी तरह से जमीन में धस जाता है, जिसे देखकर शव उसे कहते हैं, तुम मुझे किल कर इस वेपन को लेना चाहते थे ना, तुम्हें इस बात का नहीं पता, ये वेपन सी गॉड का वेपन है, इनको कोई भी संभाल नहीं सकता, इसके लिए तुम काबिल भी नहीं हो सकते। इस ट्राइडेंट को यूज करने के लिए टैंगसन को भी मुश्किल करना पड़ता है, तो तुम टैंगसन के सामने कुछ भी नहीं हो। जिसके साथ ही वन एम्पायर की मेंबर पूरी तरह से डर जाते हैं। और उसके साथ ही शव से कहते हैं, तुम एक्टिंग करने में काफी ज्यादा अच्छे हो, सब लोग इनके ऊपर जल्दी से अटैक करो। और उसके साथ ही ये सब लोग शव के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और उसके साथ शव उन सबसे कहते हैं, मैं तुमसे किसी से भी नहीं डरते। ये कहते हमारे एपिसोड यहाँ पर कम्प्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।